हाय, तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम आपको बताएंगे जेरेंट फ्रेज और पार्टिसिपल फ्रेज में क्या अंतर होते हैं। आप कहेंगे सर जेरेंट और पार्टिसिपल तो बताया नहीं और सीधा आप फ्रेज की तरफ चले गए, ये कौन सी बात हुई। तो देखिए, एक साथ सब कुछ को सीखना संभव नहीं है। आप धीरे धीरे मैं आपको ले चलूँगा और बहुत बारीकी से मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करता है ये दोनों का दोनों फ्रेज। एक ही फ्रेज जेरंड भी बन सकता है और एक ही फ्रेज पार्टिसिपल भी बन सकता है, तो ये समझने के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम बेसिक फिर से बता देते हैं। यहाँ पर भी ये नॉन फिनाइट वर्ब है, अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख लेना। ठीक है, जेरंड जो है एज ए नाउन काम करता है। जेरंड कैसे काम करता है? एज ए नाउन काम करता है। और पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव और वर्ब का काम करता है, वो भी हम आपको अलग अलग वीडियो में धीरे धीरे करके सब बताते चलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं हम जेरंड फ्रेज और पार्टिसिपल फ्रेज को क्यों उठाए हैं वो आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जेरंड जब भी रहेगा तो ना ज़्यादा रहेगा सेंटेंस में, और जब पार्टिसिपल रहेगा तो लेते हुए, करते हुए, इस टाइप से सेंटेंस होंगे। ठीक है, अभी तक तो इतना ही बताए हैं, अब चलिए इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं, जानते हैं कि आखिर में दोनों में कन्फ्यूज़न कैसे पैदा होता है। दोनों एक ही तरीके से चलेगा सेंटेंस में, एनटीपी ऐसा लगेगा सेम फ्रेज से हो जाएगा, लेकिन आपको कन्फ्यूज़ करके चला जाएगा वो, तो इसीलिए हम इसको अलग अलग कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं आखिर में फ्रेज होते क्या है। भाई निश्चित है फ्रेज की बात की है तो फ्रेज बहुत तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दो तरह की फ्रेज की बात करते हैं, जेरंड और पार्टिसिपल की। तो हम फ्रेज के बारे में जानते हैं। तो फ्रेज क्या होते हैं? कोई भी पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं, लेकिन ये अपने आप खड़ा नहीं रह सकता, अपने आप मीनिंग नहीं दे सकता है पूरा सेंटेंस में। ठीक है, ये क्या करता है, जो और भी सेंटेंसेस होते हैं उसकी मीनिंग में और वर्ड को वो ऐड करता है और इन्फॉर्मेशन को ऐड करता है, लेकिन ये अपने आप में स्टैंड नहीं रह सकता, तो इसी को कहा जाता है आपका जेरंड फ्रेज। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जेरंड फ्रेज या पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है, क्या जेरंड फ्रेज एज ए सब्जेक्ट काम कर सकता है? बिल्कुल काम कर सकता है। याद रहे, जब भी जेरंड फ्रेज एज ए सब्जेक्ट का काम करेगा तब वो पूरा मीनिंग देगा। क्यों देगा? क्योंकि वो अपने साथ ही जो और वर्ड है उसको पकड़ के अपनी तरफ ले आएगा और उससे मीनिंग देगा। देखिए मैं सेंटेंस आपको दिखाता हूँ, रनिंग अर्ली इन द मॉर्निंग इज अ गुड एक्सरसाइज। मतलब सवेरे सड़क पर जो है दौड़ना, ये एक अच्छा एक्सरसाइज। देखिए दौड़ना, मैंने बताया था ना, जेरंड आ गया। अब आप कहेंगे सर ये दौड़ते हुए क्यों नहीं होगा? दौड़ना तो है दौड़ते हुए, क्या ऐसा नहीं बना सकते कि सुबह में, मतलब सवेरे सुबह में दौड़ते हुए जो है एक अच्छा एक्सरसाइज, क्या ऐसा सेंटेंस नहीं बन सकता? आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जो जेरंड फ्रेज है, ये जेरंड फ्रेज पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा यहाँ तक है। आप अर्ली को हटा भी सकते हैं सेंटेंस से, रनिंग इन द मॉर्निंग आप बना सकते हैं, इज़ अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, रनिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, मैंने इस तरीके से इसको सजा लिया है। आप और भी ले सकते हैं, जैसे वॉकिंग ऑन द रोड या वॉकिंग लेफ्ट साइड ऑन द रोड। अगर आप रोड के लेफ्ट साइड में बैठ, इज़ अ गुड हैबिट, तो क्या होता है? गुड हैबिट होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं पहला चीज़ समझने का प्रयास करिए। पहला ये है, ये है सब्जेक्ट, ये पूरा सब्जेक्ट है जेरंड फ्रेज, पूरा क्या है? सब्जेक्ट है। इसमें इज क्या है? वर्ब है। और ए गुड एक्सरसाइज क्या है? अदर वर्ड है, या कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, जो मीनिंग को पूरा कर रहा है, सेंटेंस के मीनिंग को पूरा कर रहा है। आपको पता है कि सब्जेक्ट, जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट चाहिए, बन गया सेंटेंस।
अदर वर्ड में बहुत कुछ आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, फ्रेज आ सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहेंगे कि कैसे समझेंगे कि ये रनिंग जो सर आपने बताया था कि जेरंट को नाउन के रूप में यूज़ किया, कैसे समझेंगे सर के नाउन के रूप में यूज़ किया जाता है। देखिए हमने नाउन की पूरी वीडियो बना रखी है, सारे टाइप्स के नाउन की, लेकिन आपने कुने प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ा होगा और आपने एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि प्रोनाउन इज़ ए वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन। प्रोनाउन उसे कहा जाता है जो नाउन को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, हटा देता है अपना स्थान से। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, देखिए ऐसे पढ़ेंगे तो कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। शीला गोज टू मार्केट, ठीक है, शी ब्रिंग्स वेजिटेबल्स, यह शीला बाजार जाती है, वह यहां वह कौन है, शीला ही तो है। तो ये शीला नाउन है, इस नाउन को क्या किया गया है, शी के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है, दोबारा शीला को रिपीट नहीं किया गया है। तो क्या ये जो हमारा पूरा का पूरा फ्रेज है ये भी तो रिप्लेस हो सकता है, क्योंकि ये तो नाउन के रूप में हमने यूज कर लिया रनिंग को, बिल्कुल हो सकता है। तो कैसे इसको रिप्लेस करेंगे, कुछ लगा के रिप्लेस करना होगा, कोई प्रोनाउन लेंगे तभी तो रिप्लेस होगा ये। तो इसमें हम ले लेते हैं इट, देखिए बन जाएगा तुरंत ही, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को उठा करके हम इसके जगह पर रख देते हैं इट। अब हमारा जो रनिंग अर्ली इन द मॉर्निंग जो था वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया इट में, क्योंकि हमने इसको नॉन माना था तो इट में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए इट सब्जेक्ट इज वर्ब और ए गुड, अब सेंटेंस क्या बन गया, इट इज ए गुड एक्सरसाइज, वर्षों की मेहनत करने के बाद, काफी समय मेहनत करने के बाद आप इस मुकाम तक पहुंचते हैं, दिमाग पर से दिमाग लगाते हैं कि आखिर में ये कैसे बनते हैं, मतलब यह एक अच्छा एक्सरसाइज है, यह एक अच्छा। अब क्या है, यह रिप्लेस किसको कर रहा है, रनिंग अर्ली इन द मॉर्निंग को रिप्लेस कर रहा है। पीछे वाले सेंटेंस में भी शी कौन थी पता नहीं था, जब शीला बोलते थे तभी पता रहता था, यहां भी इट क्या है पता नहीं है। भाई निश्चित है ना, शीला गोज टू मार्केट, शी ब्रिंग्स वेजिटेबल्स, अगर हम शीला को हटा दें और शी को पुट कर दें तो शी कौन है पता नहीं है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर भी इट कौन है, अगर हम इट को पुट कर देते, हम जब नाउन को रख रहे हैं तभी पता चल रहा है कि इट कौन है। तो इस तरीके से ये एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे काम कर रहा था, ये है जेरंट फ्रेज। ठीक है, अब आते हैं पार्टिसिपल फ्रेज की ओर। सेम जेरंट क्या बन जाएगा, पार्टिसिपल फ्रेज बन जाएगा। इसीलिए हमने आपको पहले समझाया, हम धीरे धीरे ब्रेक करते करते बहुत सारी चीजों को बताएंगे। देखिए आई सॉ हिम रनिंग ऑन द रोड, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रनिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, चाहे जो है वही लिख सकते हैं, ताकि हम लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, अर्ली इन द मॉर्निंग, देख रहे हैं ना, देखिए वही है ना, रनिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, लेकिन ये अब जेरंट फ्रेज नहीं है। आप कहेंगे सर ये तो चीटिंग हुई, ये कैसी बात हुई, आपने इसको यहाँ पर जेरंट फ्रेज बना दिया, आप कह रहे हैं जेरंट फ्रेज नहीं है। अब आप कहेंगे जेरंट फ्रेज क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पर में इट को पुट करेंगे, रिप्लेस करेंगे, क्योंकि अगर जेरंट फ्रेज होगा तो नाउन के रूप में उसको मानेंगे, अगर हम यहाँ पे इट को पुट करेंगे तो मीनिंग कभी नहीं देगा। आई सॉ हिम इट क्या बनेगा, आई सॉ हिम इट, ऐसा कभी देखा है आपने, सुना है, नहीं सुना होगा ना, बिल्कुल नहीं। तो क्या करना है, कैसे समझेंगे भाई, फिर क्या है, तो यह है पार्टिसिपल फ्रेज।
ये क्या है? पार्टिसिपल फ्रेज है। अब आप कहेंगे कि सर पार्टिसिपल जो होते हैं वो एडजेक्टिव का काम करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं दिमाग से, पहला। दूसरा, ये वर्ब का काम करते हैं, तो हम कैसे समझेंगे कि इसमें ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है या वर्ब का काम कर रहा है? देखिए, आपको सीधा का सीधा यहाँ पे ये समझिए, पार्टिसिपल मैंने बताया था पिछली वीडियो में, नॉन फिनाइट में तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। यहाँ पर मैं ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है। रन में आईएनजी लग गया, एन को रिपीट करके तो रनिंग बन गए, ठीक है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का, अब यहाँ पे देखिए मीनिंग भी देखिए, मैंने उसे मतलब अर्ली सुबह में, मतलब अर्ली मॉर्निंग में दौड़ते हुए देखा। देखिए, लेते हुए, देते हुए, दौड़ते हुए, ते हुए, आ गया ना। अब यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा, ना ही ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट भी बनता ना तो भी काम बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसी कारण से ये क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज है। अब हम चलते हैं वो वाली पे, एक मैंने आपको शुरुआत में बताया था शॉर्ट में, जिसमें 27,000 हमारे व्यूज हैं अभी, उसने बताया था लाइंग इन द बेड। चलिए उसको भी लेते हैं, देखिए। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, जो जो देखे हैं, तो वो स्टेक करके बैठे हुए हैं कि कुछ हम नया बताएंगे तो शायद, तो देखिए यहाँ पे मैंने वहाँ पे लिखा था लाइंग इन द बेड ठीक है, ऐसे लिखा था मैंने, आई वॉच्ड या शी वॉच्ड ऐसे करके लिखा था, शी वॉच्ड टेलीविजन। ऐसे लिखा था, ऐसे भी हो सकता है शी वॉज वॉचिंग टेलीविजन भी हो सकता है, ठीक है। मतलब बिस्तर पे लेटते हुए, लेटे हुए, देखिए लेटते हुए या लेटे हुए, ए हुए, ते हुए, उसने टेलीविजन देखी। बिस्तर पर लेटते हुए या लेटे हुए उसने टेलीविजन देखी, बताया था मैंने आपको सेम टू सेम। अब इसमें एक कमेंट करने वाले थे, उन्होंने कहा कि सर ये इन गलत है, इन नहीं ऑन होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको लगता है तो थोड़ा सा, मुझे लगता है कि प्रिपरेशन को आपने स्टडी नहीं किया है, तो थोड़ा सा और बारीकी से कर लीजिएगा। जब हम बैठते हैं तब ऑन लगाते हैं, जब हम लेटते हैं तो हम इन का यूज़ करते हैं, हमने उसमें भी बता रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं, यहाँ पे लाइंग इन द बेड क्या है, मैंने बताया था फ्रेज क्या होता है। फ्रेज होता है सेंटेंस का एक पार्ट, टुकड़ा, जो अपने आप स्टैंड नहीं कर सकता, नहीं रह सकता। मैंने फ्रेज जब शुरू में बताया था, देखिए अगर हम इतना काट के निकाल दें, शी वॉच टेलीविजन, तो ये अपने आप स्टैंड कर रहा है, इसका पूरा का पूरा अपना मीनिंग है, लेकिन ये इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ख़त्म हो जाएगा। ये किसके ऊपर निर्भर है? इसके ऊपर निर्भर है कि भाई जब ये मुझे सपोर्ट करोगे करेगा, तभी मैं अपना जो है वो मीनिंग दे पाऊँगा। तो इसी कारण से ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है आपका? पार्टिसिपल फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन उठता है, क्या ये जेरंड फ्रेज बन सकता है दोबारा? बिल्कुल बन सकता है, बस थोड़ी सी ट्रिक का यूज करना है, एकदम बन जाएगा। अगर हम इसको एज ए सब्जेक्ट बना लें तो क्या ये जेरंड फ्रेज बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अब देखिए, लाइंग इन द बेड इज नॉट अ गुड हैबिट, देखिए बन गया। या ऑलवेज लाइंग इन द बेड इज नॉट ए गुड हैबिट, मतलब बिस्तर पर हमेशा लेटे रहना जो है, या लेटना, ठीक है, बिस्तर पर, देखिए ना आ गया, बिस्तर पर लेटना, लाइंग इन द बेड इज नॉट ए गुड हैबिट, ये एक अच्छी आदत नहीं है, ठीक है भाई। बिस्तर पर लेटना लिमिटेड टाइम में आदमी सोता है या मान के चलिए रेस्ट करता है, लेकिन अगर कोई पढ़ा, हमेशा ही पढ़ा रहे, तो क्या ये अच्छी आदत है? नहीं है। तो हम इसमें इज लगा देंगे, लाइंग इन द बेड इज नॉट, इज ऐसे भी लिख सकते हैं, इज ऑलवेज नॉट ए गुड हैबिट, तब तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इज ऑलवेज नॉट अ गुड हैबिट।
ठीक है, यहाँ पे ऑलवेज अगर लिख दें तो देखिए, अब फिर वही वाला ट्रिक का यूज़ करना है। मैंने बताया था ये एज ए नॉन यूज़ होता है। अब नॉन यूज़ होता है तो क्या इट से रिप्लेस कर सकते हैं, तो बन सकता है इट इज़ ए गुड हैबिट, इट इज़ नॉट, इट इज़ ऑलवेज नॉट ए गुड हैबिट, या इट इज़ ऑलवेज, जो भी है नॉट ए गुड हैबिट हम बना सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज नॉट अ गुड हैबिट, देखिए बन गया। लेकिन ये चीज पार्टिसिपल में पॉसिबल नहीं है, जो मैंने समझाया था पहले भी, ठीक है। जैसे हो सकते हैं आई सॉ ए फ्लाइंग कार, ठीक है, आई सॉ अ फ्लाइंग कार, देखिए ये हम अलग भी बता देंगे, थोड़ा सा एक बता देते हैं लेकिन हम अलग से बता देंगे आपको। देखिए आई सॉ ए फ्लाइंग कार, मैंने बताया था कि पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव काम करते हुए, पहला चीज दो चीज है पकड़ने का। पहला तो यह है कि ये देखिए लेते हुए, करते हुए, होते हुए, देखिए मैंने एक उड़ते हुए कार को देखा, भाई उड़ते हुए कार तो होता नहीं है लेकिन चलो मैंने लिख दिया है, तो यहां पे उड़ते हुए पहला चीज पकड़ने का तो यह है, यहां पे ते हुए हो गया। दूसरा पकड़ने का तरीका यह है कि इसके जस्ट बाद नाउन है, कार क्या है, नाउन है, और आपको पता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाने वाला शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। यहाँ पे फ्लाइंग किसकी विशेषता बतला रहा है, कार की विशेषता बतला रहा है, इसलिए फ्लाइंग क्या है यहाँ पे, एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। अब जब ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है तो ये क्या बन गया, पार्टिसिपल फ्रेज नहीं, पार्टिसिपल नहीं बन गया, यहाँ पे फ्रेज नहीं बना, एक पार्टिसिपल बन गया। आप कहेंगे सर ये फ्रेज क्यों नहीं बना, तो फ्रेज क्या होते हैं कि आपको पता है कि काट के हम अलग कर देते हैं और सेंटेंस का एक टुकड़ा बन जाता है, वो फ्रेज बनता है। ये कटेगा नहीं, निकलेगा नहीं इसमें से, अगर हम इसको लिख दें फ्लाइंग कार, कॉमा लगाएंगे, क्या अगला सेंटेंस शुरू कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं शुरू, क्योंकि मीनिंग अर्थहीन है बिल्कुल। फ्रेज में क्या होता है, मीनिंग देता है लेकिन पूरा मीनिंग नहीं रहता है, फिनाइट वर्ब उसके साथ नहीं रहता है, सेंटेंस का एक पार्ट होता है, ठीक है। फ्लाइंग कार गलत हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है, अभी आपका पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल फ्रेज नहीं है, पार्टिसिपल है। तो इस तरीके से हम अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में कुछ नया नया ऐसे करके सिखाते जाएंगे, तो धीरे धीरे करके आपका कमांड हो जाएगा, ठीक है। तो इस पार्ट में आपने सीखा कि पार्टिसिपल फ्रेज और जरन फ्रेज क्या होते हैं। In the next part of the video, I will also develop some more sentences. I will define properly about gerund and participle. I will make several other sentences to understand how is gerund used as a subject of the sentence, object of the sentence. Okay, so by then take care of yourself and join with us if you are a newcomer on this channel.